हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। ये होली आपके लिए शुभ रहे, इसी मंगल कामना के साथ में आज की रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आज सुबह उनकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी क्या हैं। ओके, अब तक की जो उनकी करंट एनर्जी है व्यूवर्स आज की, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं, देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके और आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं। ओके, और ये व्यूवर्स वन मोर थिंग, ये रीडिंग किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी एज का हो, आपसे छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, आप इस रीडिंग को उस पर्सन के लिए देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है टू ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, एट ऑफ वैंड्स, रिलीज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी एट ऑफ सोर्ड। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड कप्स की एनर्जी है, सन है हमारे पास एंड फाइव ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। मैं यहाँ से व्यूअर्स कुछ और कार्ड भी ले रही हूँ। ओके, ओके, सो व्यूअर देखो, सबसे पहले आपके पर्सन की जो एनर्जी मिलती है, ये अपने इस रिश्ते को, आपके साथ में जो रिश्ता है, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, मतलब जिम्मेदारी, लगाव भी है, और ये इस रिश्ते में हारमनी भी लाना चाहते हैं, यानी सुख, चैन, बैलेंस, जो इनकी एक मुझे डिज़ायर नज़र आ रही है। अब आपके पर्सन की व्यूवर्स की एनर्जी बताती है कि ये इन सब चीज़ों को डिज़ायर तो रखते हैं, यानी आपको अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं रखने की, पूरी कोशिश जितना ये कर सकते हैं ये अपनी तरफ से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत मेहनत है मेरी ज़िंदगी में, बहुत हार्ड वर्क है, ठीक है, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, मतलब प्लान्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है और मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स की एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है जो यही दिखाती है कि दे आर वर्किंग टू हार्ड टू मैनेज देयर रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ठीक है, क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप दोनों के बीच में ये, मतलब कहते हैं ना, जब प्यार सच्चा हो एक दूसरे के लिए, प्यार आपका ट्रू हो, तो चाहे आप लोगों के बीच में चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाएं, आप एक दूसरे से, एक दूसरे को चाहे मे बी हो, देखो एक एक समय ऐसा भी आता है जब इस प्यार को जब जितनी शिद्दत से आप स्टार्ट करते हो उतनी शिद्दत से उसको एक क्लोज़र नहीं देते हो, यानी एक नाम नहीं देते हो, या उस नाम को देने के बाद भी उसको संभाल नहीं पाते हो। कुछ लोग होते हैं कि लव मैरिज करने के बाद में भी रिश्ता उनका ख़राब होने लगता है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, इवन दे अचीव देयर गोल, है ना। तो वो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन सबसे पहले इस रिश्ते में एक तरह से हारमनी, बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए झुकाव, वो यहाँ पे चाहते हैं आपके पर्सन। और इन्हीं चीज़ों में आपके पर्सन मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने जो चीज़ें अब तक नहीं की या नहीं संभाली, तो ये चाहते हैं कि ये इन चीज़ों को अब संभालें। और ये बहुत अपने आप को, मतलब कहते हैं ना, एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें संभालना, ये सब चीज़ें जो मैंने आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बताई, वो संभालना इनके लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को और क्लैरिफाई करूँगी, ऐसा क्या है जो इनको, ये चाहते तो हैं आपको पर आपके साथ में मतलब आ नहीं रहे हैं या फिर आ नहीं पा रहे हैं, क्या है ऐसी बात। हम्म,
देखो आ गया टेन ऑफ पेंट। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुकावटें हैं व्यूवर्स आपके रिलेशनशिप पे। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी है। तो आपके या तो आपके रिश्ते के खिलाफ व्यूवर्स ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हों, ठीक है, या फिर इनसे पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसको ये मे बी ओवरकम नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ भी। और कहते हैं ना कभी कभी रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है जिनको समेटना बड़ा भारी पड़ता है, जिनको हैंडल करना बड़ा भारी पड़ता है। और आप उसको कोशिश व्यूवर्स यहाँ पे करते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू हार्ड, ठीक है, जैसे कि ये रिश्ता टूटे नहीं। बस एक फोकस होता है ना इंसान का कि रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, रिश्ता मतलब चलता रहना चाहिए। रिश्ता किसी भी हाल में अगर टूट गया तो ये उनके लिए एक हार होगी, और ये हार ही आपके पर्सन नहीं जानते हैं। मतलब कहते हैं ना एक स्पिरिट होती है, स्पिरिट गाइड होती है आपकी, आपको जो बोलती है अंदर से कि नहीं तुम हार नहीं सकते, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें ये रिश्ता हासिल करना होगा, तुम्हें इस रिश्ते के लिए कुछ करना होगा और तुम्हें ये रिश्ता मैनेज करना होगा। इस रिश्ते में खुशी लाने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, या इस रिश्ते को जो चलाने की जिम्मेदारी है वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैं देख रही हूँ व्यूवर्स की कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मे बी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है, आपके लिए कुछ करना चाहिए था वो आपके पर्सन ने आपके लिए नहीं लिया। जैसे कहते हैं ना सपोर्ट करना, कि भाई सपोर्ट करो अपने पार्टनर को सो दैट आपका पार्टनर भी आपके ट्रस्ट कर सके कि नहीं मैं जिसके लिए हूँ, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, या जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ने का प्लान बना लिया है जी, या जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो पार्टनर मेरे लिए क्या किस हद तक जा सकता है ना। ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। तो वही देख रही व्यूअर्स कि आपके जो यहाँ पे उम्मीदें हैं आपके पर्सन के ऊपर वो बहुत हावी हो रही हैं, ठीक है, यानी उन उम्मीदों को पूरा कैसे करें क्योंकि इस रिश्ते की रिक्वायरमेंट बहुत है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये एक प्लानिंग इनके दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है। दे मेकिंग प्लानिंग फॉर यू, ठीक है, एक परफेक्ट टाइमिंग का यहाँ पे मुझे वेट करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और व्यूवर्स कहूँगी कि ये जो आपके पर्सन है एनालाइजिंग आज बहुत अच्छी कर रहे हैं। एनालाइजिंग होता है कि हाँ आप अपने पास्ट की गलतियों से सबक लें, ठीक है, आप देखें कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है, ताकि आप जब नेक्स्ट एक्शन के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि देखो नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है पहले ही, उसके बाद टेन ऑफ वैंड यानी कोई लास्ट स्टेप आपके पर्सन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन उसको लेने से पहले आपके पर्सन एक परफेक्ट एनालाइजिंग में नज़र आ रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे इनकी ये इनका रिश्ता टूटे नहीं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये आपके रिश्ते में आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें एट ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पे, जो एक तरह का दिखाता है कि आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं एक एक कैप्चर वाली एनर्जी में तो रहे हैं, जैसे किसी के बातों में आ जाना या फिर अपने आप को कुछ बातों की वजह से रोक लेना, ठीक है, हो जाता है कि इंसान के माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे वो एक फियर फैक्टर का काम करती है कि भाई इंसान अपने अपने अंदर के फियर से ही लड़ रहा है या लड़ रही है और उनसे वो ओवरकम नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो आगे बढ़े आपकी तरफ, पर अपने आप को हेल्पलेस समझता है या समझती है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी फील करना कि भाई मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में रही हैं। और इसी वजह से आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए, आपकी तरफ आ नहीं पाए या फिर आपका साथ नहीं दे पाए, आपको कुछ बोल नहीं पाए, आपको कुछ बता नहीं पाए। कमी इनके अंदर व्यूवर्स यही रही कि ये सोचते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है इंसान की इग्नोर इतना कर जाता है कि उसको फियर इतना लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ बातें इस वजह से भी छुपा ले जाता है इंसान कि सामने वाले पर्सन को बुरा ना लग जाए। गलतियां हो जाती हैं पर बताया नहीं जाता वक्त रहते, कि उसको ये लगता है कि शायद मैं गलत साबित हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगी, या फिर वो आपको खो देगा, है ना। तो जो खो देने का डर होता है किसी को, और ये किसी के सामने अपनी गलतियां सामने आके अपने आप को गिल्टी फील कराने वाली या नीचा देखने वाली जो एनर्जी होती है, देखो यही होता है कि इंसान की अगर गलती सामने आ जाए तो उसको स्कॉल्ड किया जाएगा, उसको डांटा जाएगा, उसको उसको 10 बातें सुनाई जाएंगी। तो इंसान सुनने से भी डरता है कि अगर गलती सामने आती है तो पता नहीं आपके ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, क्या सोचोगे आप इनके बारे में।
तो बहुत चीज़ आपसे, मैं ये नहीं कहूँगी झूठ बोले, झूठ बोलना अलग होता है और बातें छुपाना अलग होता है। तो आपके पर्सन रिवर्स यहाँ पर आपसे बोला ही नहीं है बहुत सारी बातें और आपको लगा है कि झूठ बोला है, उन्होंने झूठ नहीं, उन्होंने आपसे बातें छुपा ली सो दैट वो आपके सामने आए ही ना, ठीक है। और जब आएंगी नहीं है वो आप बातें आपसे, तो उसको ये बहुत इजीली कहीं ना कहीं जैसे कि या तो हाइड कर लेंगे या छुपा ले जाएंगे और आपका रिश्ता इनके साथ में ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहुत कुछ आपसे छुपाया भी गया और इसी वजह से मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आया, ठीक है। ये इनका थॉट प्रोसेस है जो ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये इस तरह के नेचर के रही हैं और उस वजह से टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आया, यानी कि बहुत कुछ था जब आपके सामने रिवील हुआ, सामने चीज़ें आईं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हमको लगा कि ये पर्सन ने मुझे तो बहुत इल्यूजन में रखा, मुझे बहुत चीट किया, धोखा दिया है, ठीक है, और मैं इस पर कैसे ट्रस्ट करूँ, इसने मुझसे बहुत छुपाया। देखो जो आपके सामने आया ना वो आपके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था। कुछ गलतियाँ होती हैं कि इंसान एक्सेप्ट करके माफ़ कर देता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि इंसान, कहते ना आँखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती, है ना। तो वही आपके सामने जब इतनी बड़ी सच्चाई आपके सामने आई है, क्योंकि सच्चाई कहीं ना कहीं आपके लिए व्यूवर्स बढ़ी रही है, और जो सच्चाई आपके सामने आई उसने आपको हिला के रख दिया, आपके विश्वास को हिला दिया होगा, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो आप इस पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ऐसी सिचुएशन में, इवन दो आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, आप उसको मौका देना चाहते हो, और ये पर्सन भी व्यूअर्स आई थिंक वही चाहते हैं। मैं यहाँ पे टावर मोमेंट को क्लेरिफाई करूँगी आपके लिए। ओके देखो इन्होंने व्यूअर्स आपसे बातें इसलिए भी छिपाई कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो वही आ गई मून एनर्जी आ गई, इमोशनल ये स्टेबल नहीं थे, इनको डर था, इनको डर था व्यूअर्स आपको खो देने का, और ये यहाँ पे फैक्ट है। इनसे गलती तो हुई है, ठीक है, लेकिन उस गलती को कवर अप पे कवर अप करते गए आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि लवर एनर्जी यहाँ पे नहीं आती। अगर आपसे प्यार नहीं करते या नहीं करती, वो प्यार तो था, प्यार सच्चा था, आपकी तरफ से भी था, उनकी तरफ से भी था, लेकिन कोई अनदर सिचुएशन जो आपके रिलेशनशिप में आई वो अनएक्सपेक्टेड रही। यानी कि अगर इनका किसी और की तरफ रुझान भी हुआ तो वो अनएक्सपेक्टेड था, इनको खुद नहीं पता चला कि वो उसकी तरफ कब बढ़ गए, कब उससे कनेक्टेड हो गए, कब इन दोनों में क्लोजनेस आ गई, है ना। और ये व्यूअर्स आपके पर्सन आपको बता नहीं पाए, उनको लगा कि ये शायद मे बी जस्ट एक अट्रैक्शन है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी, या फिर जस्ट एक कैजुअल बातें हैं, लेकिन ये अपने आप को कहते ना कुछ कदमों को संभाल नहीं पाए, कदम बहक गए इंसान के, और इसी वजह से देख रही हूँ व्यूअर्स कि इनको आपसे आपका सामना करने में भी एक फियर फैक्टर रहा है। कहते ना एक मजबूरी सी फील कर लेना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर, ये आपके साथ में यहाँ पे हुआ होगा। और या अगर मैं दूसरी बात कहूँ व्यूअर्स कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं भाई इस रिलेशनशिप को हासिल करना, यानी आपके लिए अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, तो ये बहुत ही टेढ़ी खीर है व्यूअर्स। इतनी आसानी से आपको रिलेशनशिप ये हासिल नहीं हुआ है अभी तक, यानी इसमें स्ट्रगल बहुत है, यानी इसमें चुनौतियां बहुत है भाई। लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे सिचुएशन खड़ी आ रही, तो भैया आपके पर्सन जो है वो स्ट्रगल से, यानी कि सिचुएशन बिगड़ ना जाए, कुछ बातें बिगड़ ना जाए, एक ये जो माइंड सेट होता है ना इंसान को डरा देता है कि यार ये हो जाएगा, मतलब हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा, इस सिचुएशन बिगड़ जाएगी, तो उसको लेके अपने कदमों को रोक लेना और फिर सोचना कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं टावर मोमेंट आया है, और ये टावर मोमेंट यहाँ पर बहुत जैसे कि रिश्ते को हिला के रख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, जो आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स ये ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, अब जो ये ब्लॉकेजेस आपके पर्सन लेके चल रहे थे, यानी अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन, अपने ऊपर एक बर्डन, आपकी तरफ बात ना करना, आपकी तरफ नहीं आना, ये यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं या कर रही हैं। क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया आज, आज एक डेस्टाइन टाइम मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, जिसे डेस्टिनी ने ही आपके लिए वो भाग्य के दरवाजे खोल दिए, या फिर इस पर्सन के दिल में आपको लेके जो बातें थी जिसकी वजह से आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा था वो रिलीज़ कर दी, यानी वो ब्लॉकेजेस जो आपकी तरफ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पर्सन को आने से रोकते थे वो यहाँ पे रिलीज़ हो गए हैं। और इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन भाई आपके इस समय यादों में नज़र आ रहे हैं, और ये ख्वाब क्या सजा रहे हैं आपकी तरफ आना, ठीक है। अब सन है यहाँ पे, सन एक तरह से अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखाता है और एक परफेक्ट टाइमिंग को आपके लिए दिखाता है,
आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो आपके ड्रीम है वो पूरे हो रहे हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन एक आपके लिए एक सपना संजो रहे हैं। सपने में क्या है, इस रिश्ते को एक सक्सेस की तरफ लेके जाना और आपके साथ में रिश्ता बेहतरीन करना, ठीक है। तो ये व्यूवर्स, आज आपके लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो कहीं ना कहीं यही दिखाते हैं भाई आपकी लाइफ स्ट्री इस पर्सन के हर वक्त माइंड में रहती है। आप इस पर्सन के माइंड में रहते हो, चाहे आपको ये किसी भी उससे आपको फील करते हो या फिर किसी भी तरह से आप इनके इनसे लेकिन जुड़े हुए तो हो। और ये पर्सन व्यूवर्स देखो यहाँ पे आज इतने मजबूर नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मजबूरी तो ये रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये बैलेंस और मतलब होल्ड कर रहे हैं इस रिश्ते को, है ना, कि भाई ये चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो बहुत कुछ खो जाएगा अपने हाथों से। तो यही है, हार्डवर्क है, प्लान कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का और परफेक्ट प्लान ऑफ एक्शन कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें ताकि ये आपकी तरफ आ सके या फिर आपको अपना बना सके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लास्ट मैसेज यहाँ से कुछ लेते हैं आपके लिए। देखो फिर से वही है जो बोला वही है, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है, नाइट ऑफ सोर्ड है। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे मुझे आज वही नज़र आ रहा, देखो यहाँ पे वही एनर्जी है। तो ये व्यूवर्स आपके एंड रिश्ते को, जो आपका रिश्ता एंड हो चुका है उसको यहाँ पे फिर से बदल के आपकी तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे ये कार्ड आया, इसके नीचे डेथ की एनर्जी है। तो जो एंड हो गया उसको फिर से रिन्यूअल है, आपकी तरफ अप्रोच यहाँ पे नज़र आ रही है, नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। और ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे बहुत, इनके दिमाग में सब यही चल रहा है कि कैसे इस रिश्ते को फिर से वापस से हासिल किया जाए, यानी कैसे आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस से लाया जाए, कमबैक कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में आज की रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, ओके। सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड हैप्पी होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।